नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में हाथियों का आतंक मचा हुआ है। ढाई साल से हाथियों ने भारी जनहानि पहुंचाई है, जबकि बीजेपी के शासनकाल में कई तरह के उपाय किए गए थे जिससे काफी हद तक हाथी संघर्ष पर काबू पाया गया था, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने हाथी संघर्ष को गांव वासियों पर छोड़ दिया है, जिससे आए दिन हाथी निर्दोष लोगों को कुचलकर शिकार बना रहे हैं। वहीं धान के जरिए हाथियों को रोकने की कवायद पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है, इसे देखते हुए इलाकों को लेकर के ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़े, क्या कुछ किस तरीके से इस पूरे मामले को निपटाया जाए, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किए जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। बाढ़ की स्थिति को लेकर के सीएम ने चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि भोपाल से ये पूरी चर्चा की गई है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित 8 जिलों को लेकर के ये बैठक बुलाई और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े हैं। क्राइसिस कमेटी, कमिश्नर पुलिस महानिदेशक भी इसमें शामिल हुए। बाढ़ की स्थिति को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक को लेकर के जानकारी है भोपाल से, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में किस तरीके से सुधार लाया जाए, क्या कुछ रणनीति के तहत आगे काम किया जाए, राहत बचाव कार्य को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें आला अधिकारी भी जुड़े।